वेलकम टू मूवीज अड्डा। दोस्तों, इस बार डेफिनेटली एक ऐसी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आने जा रही है जिसके आने से लोगों को काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे कि 2.0 ठग्स ऑफ हिंदुस्तान एक ऐसी रिलीज थी कुछ टाइम पहले जिससे लोग काफी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस में कम हो गई और उतना खड़ी नहीं उतर पाई मूवी। लेकिन जहां मैं बात करूं 2.0 की, तो उम्मीदें लोगों को कुछ ज्यादा ही है इससे। और 2.0 की जो ओपनिंग है उसको ये बताया जा रहा है कि मे बी ये थग्स का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है। जी हाँ, 2.0 को एक्सपेक्ट किया जा रहा है थग्स का रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए। आपको बता दूं कि थग्स ऑफ हिंदुस्तान फ्लॉप होने के बावजूद अब तक एक वेब पोर्टल के अकॉर्डिंग अब तक 370 करोड़ रुपीज कलेक्ट कर चुकी है। जी हाँ, हालांकि ये मूवी थोड़े बिग बजट में बनी है, लेकिन फिर भी 370 करोड़ इज नॉट एट ऑल बैड। वहीं अगर बात करी जाए 2.0 की, तो लगभग 500 करोड़ के बजट पर बनी हुई ये फिल्म, देखना ये होगा कि कितना कमाई कर सकती है। जहां थग्स ऑफ हिंदुस्तान की बात करी जाए अगर, तो वो जो मूवी है थग्स ऑफ हिंदुस्तान, ओपनिंग डे पर उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया था। 50 करोड़ की ओपनिंग थी थग्स ऑफ हिंदुस्तान की, लेकिन 2.0 को माना जा रहा है, एंटिसिपेशन ये है फिलहाल की 2.0 जो है वो डेफिनेटली थग्स का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है और 50 करोड़ से भी बम्पर ओपनिंग कर सकती है। और वो इसीलिए बिकॉज काफी रीजंस है। अक्षय कुमार मूवी है वन ऑफ द मेन रीजंस, रजनीकांत मूवी है सेकंड मेन रीजन, थर्ड अक्षय और रजनीकांत जो है वो साथ में आ रहे हैं, वो भी आमने सामने एक दूसरे को टक्कर देने के लिए, वो भी एक मेन रीजन है। उसके साथ साथ दोस्तों अक्षय कुमार और रजनीकांत स्टार 2.0 जो है वो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी इसीलिए भी है बिकॉज जो वीएफएक्स का काम इस मूवी में किया गया है, जिस तरीके से वीएफएक्स दिखाए गए हैं, जिस तरीके से जिस वीएफएक्स टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, फिल्म पूरी की पूरी 3D में शूट करी गई है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देखना भी अपने आप में काफी काफी दिलचस्प होने वाला है कि किस तरीके से ये दिखाई जाएंगी। क्योंकि रोबोट अपने आप में एक मैजिकल एक्सपीरियंस था, उसके बाद अब रोबोट 2.0 जब आ रही है तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। और जिस तरीके से विजुअल्स हैं, जिस तरीके से ग्राफिकली चैलेंज्ड ये मूवी है, तो डेफिनेटली ऑडियंस जो है काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर बैठी है। और जैसे ही मूवी रिलीज होगी तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मूवी की जो भी ओपनिंग होने वाली है वो बम्पर ओपनिंग होने वाली है और थग्स का रिकॉर्ड डेफिनेटली ये मूवी ब्रेक करने वाली है जो कि 50 करोड़ था। देखना बस ये होगा कि ये बात सच साबित होती है या नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये मूवी थग्स ऑफ हिंदुस्तान का ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं? हमें कॉमेंट्स करके अपने आंसर जरूर बताइए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल मूवीज अड्डा।